This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Diagnostics, KVN University, Newson Fabrics Cloth Store, Shweta Dentistry, and by Orbis International School. माननीय राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन भारत सरकार नवदेहली माननीय जिलाधिकारी कलबुर्गी इवर मुखातर विषय देहली नड़ीतिरुव रैत हमारे भारत में किसानों के लिए बहुत तकलीफ दे रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट। बीजेपी गवर्नमेंट जब से आई है यही काम शुरू है इनका, बीजेपी गवर्नमेंट का सीए लाए और दूसरे काम लाए और उसके बाद ये किसानों को तकलीफ दे रहे हैं। जबकि किसानों को तकलीफ देते हैं तो भारत के लोग खाएंगे क्या, कहां पर जाएंगे, किसके पास जाकर खाएंगे भारत के लोग हमारे। ये गवर्नमेंट जो बीजेपी की है, बीजेपी गवर्नमेंट किसानों का नहीं तो कहाँ से, बाहर दूसरी कंट्री से लाकर खाना खाते हैं, यहाँ अनाज कहाँ से लाते हैं ये लोग, ये समझना चाहिए। हमारी जो भारत की गवर्नमेंट है इसको ये मालूम होना चाहिए हम किसानों का खाते हैं, किसानों का खून पसीना टपका हुआ खाना हम खाते हैं। और जो पब्लिक परेशान है, पब्लिक का टैक्स पूरा गवर्नमेंट को जाता है, टैक्स लेके गवर्नमेंट क्या करती है और पब्लिक को इतना क्यों परेशान करती है, जबकि पब्लिक पूरा रोड पे आने के लिए अब तैयार है। किस इंटर रिलीजियस फोरम की टीम के जानिब से आज डीसी ऑफिस में यहाँ पे सारे टीम मेंबर्स जमा हुए हैं। हुकूमत बीजेपी गवर्नमेंट जो एंटी बिल्स जो लागू करी है किसानों के ऊपर, इसका कंडम करते हुए यहाँ पर एक मेमोरेंडम दिया जा रहा है। यही ऑब्जेक्टिव से कि ये जो बिल्स हैं इनको वापस ले आ जाए। जो ये बिल्स बने हैं ये वाकईतन किसानों के साथ साथ आम इंसान के लिए भी बहुत नुकसानदेह है। इस बिल की मजम्मत करते हुए आज फोरम के सारे लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो इंटर रिलीजियस फोरम है यहाँ के टीम मेंबर्स का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये जो हुकूमत का जो फैसला था ये फैसले के ख़िलाफ़ ठहरना बहुत बड़ी बात है, बहुत हिम्मत की बात है। ये आज हिंदुस्तान के हर कोने में प्रोटेस्ट किया जा रहा है, धरने लगाए जा रहे हैं, हंगर स्ट्राइक किया जा रहा है, मगर बीजेपी हुकूमत को रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ रहा। इनफैक्ट ऐसा है कि उनको एक ह्यूमन वैल्यू भी नहीं है उनके पास। मोर देन 60 फार्मर्स आज शहीद हुए हैं प्रोटेस्ट में, मगर ये लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसलिए ज़रूरी है कि इंटर रिलीजियस फोरम के जैसे हर लोग में एक इत्तेफाक पैदा होना ज़रूरी है और रोड पर उतरना ज़रूरी है। और कानून हुकूमत को बताना चाहिए उनके गलतियों का, और उनसे रिक्वेस्ट हम ये करते हैं कि भाई इस मेमोरेंडम को एक्सेप्ट करें और इस कानून को वापस ले रख। नमगेल्लरिगू तिळिदिरुवंते केंद्र सरकार मंजूर माडिरुवा मूरु कृषि कायदेगळु इवुगळ विरोधवागि रैतरु देशाद्यंत होराडुत्तिद्दारे। देहली गडी प्रदेशदल्लि नम्म पंजाब हरियाण उत्तर प्रदेश मत्तु महाराष्ट्र गुजरात ई स्थळगळिंद अनेक रैतरु साविरारु रैतरु कळेद 55 दिनगळिंद अल्लि सेरिकोंडु प्रतिभटने नडेसुत्ता इद्दारे। ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಈ ಚಳಿ ಮಳೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ವಿಕೋಪ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ತಾಳಿಕೊಂಡು ರೈತರು ಅವಿರತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 60ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಮೃತರಾಗಿದ್ದಾರೆ। ಆದರೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾದರೂ ಕೂಡ ಈ ರೈತರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಮಾತುಕತೆ ಯಾವುದೇ ಫಲ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ। ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ 2-3 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಕೂಡ ಒಂದು ತಾಕೀತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ನೀವು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಇದು ಈ ಮೂರು ಕಾಯ್ದೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತಡೆ ತಂದಿದೆ। ಆದ್ರೂ ಮೋದಿಯ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೂ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಕಾನೂನು ಮೂರು ಕಾನೂನುಗಳು ಅವರು ಹೊರಟಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಹಿಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಹಿಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ।
रिलीजन फोरम की तरफ से आज जो एहतजाज मुनक़द किया गया है, इसका मकसद ये है कि भी फार्मरों के खिलाफ गवर्नमेंट की तरफ से जो कानून नए नए बनाए जा रहे हैं वो दरअसल कानून किसानों के खिलाफ ही नहीं बल्कि ये सारी अवाम के खिलाफ हैं। ऐसे कानून को हुकूमत को चाहिए कि पहली फुर्सत में वापस ले, वरना इस मुल्क में जो है ना पहले से इकोनॉमिकल जो क्राइसिस है और मज़ीद बढ़ेगा। इसलिए हम गवर्नमेंट से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि इन जन विरोधी कानून को वापस लिया जाए। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, यूनाइटेड डायग्नोस्टिक्स, केवीएन यूनिवर्सिटी, न्यूसन फैब्रिक्स क्लोथ स्टोर, श्वेता डेंटिस्ट्री एंड बाय ऑर्बिस इंटरनेशनल स्कूल।